लोग स्वागत आपको एक और ट्रेडिंग वीडियो में। देखो आज हम जो ट्रेड करेंगे सिर्फ ओनली ऑन सियोर्स और टर्न के ऊपर ट्रेड करेंगे। जो मेरा 20 सियोर्स और टर्न है ना वो तो भाई लाइव मार्केट में धांसू काम करता है, 99-100%, कभी कभी 90% ऐसा एक्यूरेसी रहता है। लेकिन क्या ओटीसी मार्केट में सेम एक्यूरेसी रहता है? अब देखो मेरा जो सियोर्स और टर्न है उनमें ना हम मार्टिंगल यूज नहीं करते। हर एक सियोर्स और टर्न के पीछे ना बहुत सारे लॉजिक होता है, तो जब भी आप ट्रेड लॉस करते हो तो उसका मतलब आपने ही गलत एनालिसिस किए हो। तो मार्टिंगल से विन कभी कभार होता है, नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि ये सियोर शॉर्ट पैटर्न से हम हर एक ट्रेड को विन कर पाते हैं ओटीसी मार्केट में इवन। ओके और गाइस सबसे पहले तो थैंक यू, हमारा जो यूट्यूब फैमिली है वो 1000 मेंबर का हो चुका है। आप लोगों ने जितना प्यार किया सपोर्ट किया इसी की वजह से, तो मैंने सोचा कि एक गिव अवे रखते हैं। और इस गिव अवे में एक कोर्स में दो लोगों को कोर्स दूंगा, मेरा जो 20 सियोर शॉर्ट का कोर्स है। तो आप क्या करना, आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना चैनल को और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल पे मेरा लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पोस्ट मतलब जाके मुझे सेंड कर देना स्क्रीनशॉट लेके, तो आप पार्टिसिपेट हो जाओगे। सो देखते हैं अभी क्या सियोर शॉर्ट पैटर्न हमें मिलता है और मैं आपको ट्रेड लेके बताता हूँ। सो गाइस देखो यहाँ पे मुझे एक सियोर शॉर्ट पैटर्न मिला है, तो ठीक है मैंने एंट्री ले लिया। मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में है और ये हमारा एक तगड़ा सियोर शॉर्ट पैटर्न है। और ये सियोर शॉर्ट पैटर्न और भी अच्छा होता अगर ये हैमर ना होके स्पिनिंग कैंडल या फिर डोजी होता, तो वो और भी ज्यादा एक्यूरेट हो जाता। लेकिन वीडियो क्योंकि लंबा हो रहा था तो मैं सोचा, क्योंकि देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं मुझे पता है कि कौन सा कैंडल क्या बन सकता है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एंट्री लिया है। सो देखो ये जो कैंडल है इसके बाद ये कैंडल बना है, तो उसके बाद मतलब क्या होता है कि हर एक बार रिवर्सल ही होता है। तो चलो देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, ठीक है, कि हमारा ट्रेड विन होता है कि लॉस होता है। लोडिंग हो रहा है, ठीक है। देखो अभी तो भाई विनिंग पे चल रहा है, मतलब डोजी और एक रेड कैंडल बनने के चांस है यहाँ पे। तो अब देखते हैं क्या होता है जब देखो देखो क्योंकि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है ना, तो आपको सी और सरप्राइन के साथ साथ लेवल भी देखना होता है कि लेवल कहाँ है। यहाँ पे हमारा एक हिडन एसनर भी लेवल है, तो ये तो और भी अच्छा है। चलो देखो ये हमारा विन हो चुका है हमारा फर्स्ट सियोर शॉर्ट पैटर्न में से, ठीक है। तो देखो ऐसे ही सियोर शॉर्ट पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से एक्यूरेसी में आपको विन करवाता है, तो मतलब ज्यादा डरने की बात नहीं होता। ओके 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 अगर ये कैंडल रेड कैंडल अगर इसकी 50% के ऊपर अगर क्लोज होगा ना, तो यहाँ पे हमारा एक सियोर शॉर्ट पैटर्न और भी मिलेगा, क्योंकि हमारा डाउन ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड डाउन है। तो देखते हैं ये ट्रेड क्या होता है, ठीक है ठीक है। अगर रेड कैंडल होता है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था ये अगर रेड 50% के ऊपर क्लोज होगा तो हम यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लेंगे, तो मैंने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है। और देखो क्योंकि पूरा मेजर ट्रेंड डाउन ना, तो ये ट्रेड हमारा फेवर में ही होगा, क्योंकि मतलब डाउन जब आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हो तो विनिंग का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न है। डब्ल्यू पैटर्न मीन्स अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, ट्रेंड चेंज होने वाला है, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। ये पैटर्न जहाँ पे भी बनेगा बहुत अच्छा एक्यूरेसी देगा, लेकिन आप ऑलवेज ट्राई करना कि ट्रेंड के फेवर में जाकर ट्रेड करना। तो उनमें क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है और विनिंग का चांस और अच्छा हो जाता है। तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि जब भी सियोर शॉर्ट पैटर्न से ट्रेड कर रहा हूँ या फिर नॉर्मल ट्रेड कर रहा हूँ, तो ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ज्यादा मत करना, नहीं तो वहाँ पे क्या होता है कभी कभार डोजी बन जाता है, लास्ट सेकंड में लॉस करवा देता है, ऐसा होता है। और देखो जब भी सियोर शॉर्ट पैटर्न के बाद नेक्स्ट कैंडल जो विनिंग कैंडल होता है वो हमेशा बिग कैंडल बनता है, क्योंकि सियोर शॉर्ट पैटर्न लॉजिकली बनता है। लॉजिक के बाद हमेशा कैंडल जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, ठीक है, जहाँ पे आप अच्छे जगह पे एंट्री मिलते हो तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है। तो इसी रीजन से देखो ये भी कैंडल स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो दो ट्रेड मैंने लिया और ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। नेक्स्ट सियोर शॉर्ट पैटर्न के बारे में बात, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी हमारा एक सियोर शॉर्ट पैटर्न बनेगा। मेरा जो स्टूडेंट है वो कमेंट करके बताओ कौन सा सियोर शॉर्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। देखो मेरा जो स्टूडेंट है ना उनको मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, वो लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पे सियोर शॉर्ट पैटर्न बन चुका है, तो मैं यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। क्यों लिया हूँ मैंने, क्योंकि पूरा मार्केट यहाँ पे देखो ऐसे अप ट्रेंड में है, मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है, तो हमारा फेवर में ट्रेड होने वाला है। और ये हमारा एक सियोर शॉर्ट पैटर्न है, तो सियोर शॉर्ट पैटर्न से देखो थोड़ा सा ऊपर एंट्री मिला है, कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभार होता है ना ऊपर एंट्री। मैंने वीडियो में बात करते करते एंट्री ले चुका है, लेकिन ये जो मतलब सियोर शॉर्ट पैटर्न के बाद वाला जो कैंडल होता है वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, तो विनिंग का चांसेस वो और भी ज्यादा हो जाता है कि आपका अगर एंट्री थोड़ा सा ऊपर नीचे लग गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। लेकिन आपको एंट्री ठीक जगह पे लेना होगा, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं वो कभी कभार हो जाता है। ओके सो देखो ये भी हमारा ट्रेड विनिंग पे अभी चल रहा है, लेकिन एंट्री मतलब देखो कैसे इतना ऊपर लगा है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउट मेरे है। कोई बात नहीं, क्योंकि मतलब वीडियो लंबा हो जाए ना, तो ऐसे मैंने ट्रेड ले लिया। देखो तो हमने तीन ट्रेड लिया, तीन डायरेक्ट विन हुआ है। तो गाइस देखो सियोर शॉर्ट पैटर्न से अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो कोई भी ज्यादा लॉजिक आपको नहीं लगाना है, प्रैक्टिस करो, 2 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करो, इजिली ट्रेड कर सकते हो, इजिली विन कर सकते हो। ओके गाइस तो चलो गाइस ऐसे आपको वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो कुछ भी जानना हो तो टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करो, वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप, तो मैं हर एक कोशिश करता हूँ हर एक रिप्लाई दे दूँ। और गाइस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे बहुत कुछ मैं नॉलेजेबल कंटेंट डालता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।